प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद रखते हो आप सब स्वस्थ एंड सुरक्षित हो। तो आज मैं अभिजीत सर आपके फिटनेस का एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक्स है वो है हमारा फर्स्ट ट्रेनर के अंदर नट। मैंने पहले वाला वीडियो में आपको बोला था बोल्ट के बारे में, क्लास में बोला था। तो आज का क्लास का जो टॉपिक्स है वो है नट। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या क्या जानेंगे पहले देख लेता हूँ। टाइप्स जानेंगे नट्स का, नेक्स्ट नट्स का फीचर्स जानेंगे, नेक्स्ट क्या जानेंगे एप्लीकेशन एंड यूज़ जानेंगे नट्स का, मैंने कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो वाला मैं इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले आता हूँ नट्स का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट्स है उसमें। नट्स क्या है पहले इसको हमको जानना है। पहले ही मैंने पहले वाला वीडियो में बोल्ट का वीडियो में मैंने बोला था जो बोल्ट क्या है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो पहले वो भी लिंक आपको आप जरूर देख लेना। नेक्स्ट नट क्या है, बोल्ट के साथ यूज़ होने वाला एक फास्टनर है जो जिसको हम लोग नट कहते हैं। नट क्या है, नट के अंदर एक इंटरनल थ्रेड काटा होता है, ओके। और जो हमारा फीमेल पार्ट है वो है नट। स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है नट और बोल्ट में। तो पहले क्या बोला है, नट के अंदर एक इंटरनल थ्रेड काटा होता है और ये एक फीमेल पार्ट है। बट बोल्ट के अंदर क्या होता है, ना एक्सटर्नल थ्रेड काटा है वो एक मेल पार्ट है, ये जरूर ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या, जो नट होता है उसको हम लोग बोल्ट के साथ यूज़ करता है किस लिए, ना दो पार्ट्स को टेम्पोररी बेस में जॉइंट करने के लिए हम लोग यूज़ करता है क्या, नट एंड बोल्ट को। आता हूँ नट का क्या टाइप्स के बारे में, क्या क्या टाइप्स होता है नट का, ओके। तो पहले टाइप्स में आता है क्या, हेक्सागोनल नट, स्क्वायर नट, कैप नट एंड फ्रेंच नट और एक्सेट्रा, और भी कोई नट है। तो पहले हेक्सागोनल नट, हेक्सागोनल नट क्या होता है, हम लोग हेक्सागोनल बोल्ट के बारे में पहले वीडियो में बात किया था, उस तरह ही हेक्सागोनल नट का क्या होता है, उसका जो शेप होता है वो होता है हेक्सागोनल शेप, ओके। और उसको क्या होता है ना, सिक्स फेस होता है, जो हेक्सागोनल बोल्ट में हम लोग पाया था उस तरह ही सिक्स फेस होता है हेक्सागोनल नट का, ओके। ये भी क्या ना माइल्ड स्टील में बना होता है और दूसरा दूसरा कोई ब्रॉन्ज फ्रॉन्ज में बना होता है, ठीक है, उसका मटेरियल होता है। तो नट का जो हेक्सागोनल नट का जो अपर एज होता है वो क्या ना 30 डिग्री एंगल में रहता है, क्लियरेंस एंगल में चैम्पर करके रखा होता है। और उसका जो हेक्सागोनल नट का जो शेप होता है वो क्या लो क्लियरेंस होता है, क्योंकि ना स्पैनर पकड़ अच्छे से पकड़ सकते हैं उस नट को, ओके। हेक्सागोनल नट का जो एनर का एंगल रहता है वो 60 डिग्री एंगल में हम लोग घुमाता है टाइट करने के लिए, ओके। तो नेक्स्ट होता है क्या ना स्क्वायर नट, हम लोग स्क्वायर बोल्ट भी पढ़ा था अगले वीडियो में जाना था। तो आज क्या ना स्क्वायर नट का जो शेप होता है वो है स्क्वायर शेप का, उसका क्या है ना फोर फेस होता है, स्क्वायर बोल्ट का भी फोर फेस था, स्क्वायर नट का भी फोर फेस होता है, ओके। उसका क्या होता है, हाई क्लियरेंस होता है और स्क्वायर नट का इजीली स्पैनर में हम लोग पकड़ सकते हैं स्क्वायर नट को, हाँ। तो और स्क्वायर नट को क्या होता है, 90 डिग्री एंगल में हम लोग स्पैनर को रोटेट कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट आता है क्या, कैप नट। आप लोग नाम सुन के ही समझ जाएगा जो कैप नट क्या है, कैप बोला है, कैप मतलब एक टूपी, ओके। तो क्या होता है, कैप नट का अपसाइड का जो फेस होता है थ्रेड का, तो वो कैप की तरह है, ठीक है। और उसका जो शेप होता है वो कैप की तरह होता है, क्योंकि वो जो यूज़ में कहाँ पर यूज़ होता है ना, बोल्ट को मैंने वाटर से बचाने के लिए, जल से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए यूज़ होता है। वो क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या देता है ना, बोल्ट कोरोशन नहीं इफेक्ट होता है, कोरोशन से बोल्ट बच जाता है, इसलिए हम लोग कैप नट का यूज़ करता है। नेक्स्ट आता हूँ क्या ना फ्रेंच नट, वो क्या है, वो उसका शेप हॉराइजेंटल शेप का ही होता है, वो जो हॉराइजेंटल शेप है वही होता है, बट उसका डाउन साइड में क्या होता है, एक कॉलर बा वाशर रहता है, जो क्या इसमें वाशर का यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम लोग फ्रेंच नट यूज़ करते हैं, ओके। उसका बाद जो आता है हमारा वो होता है डोम नट, वो पाँच नंबर में जो आता है हमारा वो होता है डोम नट। डोम नट क्या होता है, वो कैप्स नट आपको बोला था ना, जिसका ऊपर क्या रहता है, कैप्स रहता है, जो क्या होता है पानी से बचाता है बोल्ट को, उसके तरह डोम नट के ऊपर भी एक कैप लगा होता है,
ओके, तो उसका हेड क्या होता है ना, डोम शेप का होता है उसका हेड। नेक्स्ट आता है हमारा कैप्सन नट। कैप्सन नट, कैप्सन नट क्या होता है हमारा, वो राउंड शेप का होता है, मैंने गोलाकार शेप का। उसको क्या होता है, उसका फेस के ऊपर छोटा छोटा होल कटा होता है, जिसको हम लोग किस काम में यूज़ करता है ना, सी स्पिनर और हुक स्पिनर से हम लोग इस नट को खोलना और लगाना, मैंने ओपन एंड क्लोज करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्या ना, रिंग नट। रिंग नट क्या है, वो भी हमारा वो राउंड शेप का होता है, वो भी हमारा कैप्सन नट की तरह राउंड शेप का होता है। उसका ऊपर कोई होल नहीं काटा होता है, उसका ऊपर स्लॉट काटा होता है, और वो स्लॉट में हम लोग सी स्पिनर और क्या हुक स्पिनर लगा के हम लोग नट को ओपन एंड क्लोज करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, नाल नट। हम नार्लिंग संपर्क में हमारा नॉलेज था, तो नाल नट क्या होता है, हमारा आउटसाइड में नट का आउटसाइड में नार्लिंग काटा होता है, जो ग्रिपिंग के तरह ग्रिपिंग का काम करता है। हम लोग इसको हम लोग हाथ से, हमारा जो हाथ है उससे टाइट और ओपन एंड क्लोज करता है खूब इजीली। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्या ना, थम नट। वो थम नट क्या होता है, वन टाइप ऑफ नान नट। इसके ऊपर भी क्या होता है ना, नार्लिंग काटा होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, विंग नट। ये विंग नट को हम लोग फ्लाई नट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो पक्षी के डाना के तरह विंग के तरह देखने लगता है, उसका शेप का है वो। हम लोग क्या होता है, टू विंग्स रहता है उसको, हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं उसको, हम लोग हैक्सो फ्रेम में देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग का हैक्सो फ्रेम का जो ब्लेड होता है, उस ब्लेड को हम लोग टाइट करने के लिए इस विंग नट का प्रयोग करते हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।